ये तुम्हारे बाप दादा की रियासत नहीं कि तुम मुझे डरा धमका कर वापस भेज दोगे। ये पंक्ति किसी फिल्मी डायलॉग की नहीं, ये जवाब फिल्म इंडस्ट्री की क्वीन कंगना रनौत ने रामपुर बुशरा परिराज परिवार के शहजादे विक्रमादित्य सिंह को दिया है। सिंह ने रनौत को क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सी बताते हुए पूछा था कि कुल्लू और मनाली में बादल फटने की आपदा आई तो आप कहाँ थी। कंगना तो चुनाव के बाद वापस फिल्म इंडस्ट्री में चली जाएगी। मंडी लोकसभा में दोनों प्रत्याशियों के बीच चल रहे वाक युद्ध का ये तो केवल एक उदाहरण है। ना तो कंगना जुबान पर लगाम लगा पा रही है, ना ही विक्रमादित्य उन्हें निशाने लेने से बाज आ रहे हैं। इसलिए मंडी लोकसभा क्षेत्र का चुनाव प्रमुख दलों के प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के एक दूसरे को नीचा दिखाने के अखाड़े के रूप में बदल गया है। इस रणनीति का किस पार्टी को फायदा होगा यह तो 4 जून को पता चलेगा। आज मतदान हो रहा है, सुबह से मतदान चल रहा है और उत्साह दोनों तरफ दोनों प्रत्याशियों को देखने को मिल रहा है। राज परिवार की रियासत वाली इस सीट पर निचले स्तर पर चुनाव प्रचार पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया कि इतने निचले स्तर पर बयानबाजी की जा रही हो। पहली बार चुनाव मैदान में उतरी कंगना रनौत प्रतिद्वंदी विक्रमादित्य सिंह पर निजी हमले करने से बाज नहीं आ रही है। वे उन्हें कभी छोटा पप्पू कहती है तो कभी महाचोर बताती है। विक्रमादित्य ने भी कंगना पर बीफ खाने के आरोप लगाए हैं तो कंगना के परिवार के साथ कथित खटास को उजागर किया है। कंगना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान श्री राम का अंश बताकर पार्टी को चौंकाया तो सुभाष चंद्र बोस को देश का पहला प्रधानमंत्री बताकर मतदाताओं को भी हैरानी में डाल दिया। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अति उत्साह में कंगना की ऐसी बयानबाजी से कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मंडी लोकसभा क्षेत्र पर राज परिवार ने ज्यादा राज किया है और कांग्रेस का ये मजबूत किला कहा जा सकता है। बुशहर राज परिवार के वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे। वे और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह 3 बार सांसद चुने गए हैं। यहाँ से सुखराम 2 बार सांसद बने। वर्ष 1952 से यहाँ अब तक 20 आम चुनाव हुए जिसमें 14 बार कांग्रेस को जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी 5 बार और 1 बार जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के राम स्वरूप ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। उनकी मृत्यु के कारण 2021 में उपचुनाव हुआ, उसमें प्रतिभा सिंह ने यह लोकसभा सीट जीत ली थी। दोनों उम्मीदवार इस बार युवा हैं, जोश से भरे हुए हैं, दोनों के पास भरपूर पैसा है। विक्रमादित्य को राजनीतिक विरासत में मिली है तो कंगना ने सियासत में अचानक कदम रखा है। उन्हें भाजपा हाईकमान का आशीर्वाद मिला हुआ है। मंडी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 17 विधानसभा सीटें आती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 13 और कांग्रेस ने 4 सीटों पर कब्जा जमाया था। मंडी के दक्षिण क्षेत्र बंजर, अन्नी, करसोग, सुंदरनगर, नाचन, सोराज, दरांग, सरघाटा, जोगिंदरनगर पर भाजपा की पकड़ मजबूत बताई जा रही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर काफ़ी लोकप्रिय रहे। भाजपा को उनकी लोकप्रियता और मेहनत के सारे चुनाव जीतने की उम्मीद लगी हुई है। अब मतदान लगातार चल रहा है, आखिरी दौर का मतदान है। दोनों ही प्रत्याशियों को उम्मीद है कि इस बार उन्हें जीत मिलेगी, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी वहाँ पर हुई है मंडी लोकसभा, क्योंकि हॉट सीट है, एक राजा जीतेगा या रानी, चर्चा का सवाल ये है। हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार अनिल केले भी वहाँ पर पहुँचे थे, ग्राउंड रिपोर्ट उन्होंने जानी, तो ग्राउंड रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। क्या थी ये हम आपको आज शाम तक बताएंगे कि क्या मंडी का समीकरण कहता है। नमस्कार।